Assalamualaikum, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पार्ट रियलिटी टीवी। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे होंगे। मेरा नाम उरूसा मुबीन है। और मेरा नाम मोहम्मद मुबीन है। और आज जो हम लोग साथ मिलकर वीडियो देखने जा रहे हैं वो इस बारे में हमें बताएगी कि हम लोगों को चाइना का बॉयकॉट क्यों करना चाहिए, क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से जो है चाइना के प्रोडक्ट्स या चाइना को हमें बॉयकॉट करने की जरूरत है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे उरूसा आपसे और फिर स्टार्ट लेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करना नहीं भूलिएगा ताकि आपको तमाम तरह मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन और अपडेट आप लोगों के मोबाइल पर मिलती रहे। थैंक यू। 1 2 3 नमस्कार दोस्तों, इंडिया चाइना के बीच बॉर्डर टेंशन पिछले कई दशकों में सबसे खराब हालत में, हमारे 20 से ज्यादा जवान शहीद हो गए। इसी के चलते इंडियंस में बॉयकॉट चाइना का सेंटीमेंट फिर से ट्रेंड करने लगा है। कुछ लोग इस इमोशन को जताने के लिए अपने घर से चाइनीज टीवीज को नीचे फेंकने लग रहे हैं और कुछ लोग चाइनीज खिलौनों को तोड़ने लग रहे हैं। मुझे लगता है दोस्तों, अगर हम इस बॉयकॉट चाइना मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाना है तो ये टीवी तोड़ने से, खिलौने तोड़ने से नहीं होने वाला। हमें रूट कॉजेस को समझना पड़ेगा कि किस तरह से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया पर अपना राज जमाना चाहती है। इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, ज्योग्राफिकली किन डर्टी टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं ये करने के लिए। और यहाँ पर इस गलत फहमी में मत रहना कि ये सिर्फ इंडिया के साथ आज प्रॉब्लम हो रही है। जो बॉर्डर इंट्रूजन आज चाइना इंडिया के साथ करने लग रहा है, यही चीज चाइना ताइवान के साथ भी करने लग रहा है सेम टाइम पर। और इकोनॉमिकली तो कितने कंट्रीज के साथ ये क्या क्या तरीके अपनाता है, इन सब की बात करेंगे इस वीडियो में दोस्तों, ताकि हम स्ट्रैटेजीज बना पाए साथ में मिलके बाकी कंट्रीज के साथ चाइना के अगेंस्ट जाने के लिए। क्योंकि आज के दिन दोस्तों चाइना ना सिर्फ इंडिया के लिए खतरा है बल्कि दुनिया भर की सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज के लिए खतरा बनता जा रहा है। और यहाँ पे चाइना की जब मैं बात करता हूँ तो सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की बात कर रहा हूँ, एक पार्टी जिसने चाइना के ऊपर अपनी डिक्टेटरशिप जमा रखी है। चाइनीज लोगों का यहाँ पर कोई कसूर नहीं। आइए देखते हैं। पहले इकोनॉमिक टैक्टिक्स की बात करते हैं, लेकिन शुरुआत करना चाहूंगा मैं कुछ बेसिक से, ट्रेड के बारे में। कोई भी कंट्री दोस्तों किसी और कंट्री के साथ ट्रेड क्यों करना चाहेगी? तीन मेन रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन है कि आपकी कंट्री में कोई ऐसा प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है जो किसी और कंट्री में मिल रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, यूके में, ब्रिटेन में बनानाज अवेलेबल नहीं थे ईयर 1633 से पहले, क्योंकि उनके क्लाइमेट में बनानाज उग नहीं सकते, तो वो केले इंपोर्ट करेगी दूसरी कंट्री से, इसलिए ट्रेड करना चाहिए। दूसरा रीजन हो सकता है कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस किसी और कंट्री में आपको ज्यादा सस्ते में मिल रहा है एज कम्पेयर टू आपकी खुद की कंट्री में। इसका एक अच्छा से एग्जाम्पल हो सकता है कि इंडिया में जो कॉल सेंटर्स हैं यूएस कंपनीज ने खोले हुए हैं, क्योंकि यूएस कंपनीज को इंडिया में कॉल सेंटर्स खोलना ज्यादा सस्ता पड़ता है एज कम्पेयर टू यूएस। और तीसरा रीजन हो सकता है कि कोई भी प्रोडक्ट सर्विस आपको बेटर क्वालिटी का मिलता हो दूसरी कंट्री में, इसलिए आप ट्रेड करना चाहेंगे, अपनी कंट्री में लाना चाहेंगे। तो ट्रेड करने के एडवांटेजेस बड़े क्लियर हैं। कंज्यूमर्स को ज्यादा चॉइस मिलेगी, कंज्यूमर्स को सस्ते प्रोडक्ट मिलेंगे, हर कंट्री किसी अपनी चीज में स्पेशलाइज कर पाएगी जिससे कि वो अपने बेटर प्रोडक्ट्स बना पाए और इंटरनेशनली हर कंट्री को उससे बेनिफिट पहुंच पाए। तो इकोनॉमिकली हर कंट्री के लिए एक अच्छी चीज है। इनफैक्ट ये ट्रेड करना इतनी अच्छी चीज होती है कि एक रिसर्च ने बताया था, एवरी 1% इंक्रीज इन द ट्रेड टू जीडीपी रेशियो हमें देता है 0.47% इंक्रीज इन द जीडीपी पर कैपिटा ऑफ दैट कंट्री। मतलब ट्रेड अगर इंक्रीज करोगे तो जीडीपी बढ़ेगा कंट्री का, बड़ा क्लियर कट रिलेशन है यहाँ। लेकिन दोस्तों ये एक बहुत ही सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन है, असली दुनिया में बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटीज मौजूद है। जैसे कि उन अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज का क्या होगा जो किसी भी चीज में खुद से स्पेशलाइज नहीं कर पाती? अगर ना किसी कंट्री के पास कोई नेचुरल रिसोर्स है अच्छा, ना कोई किसी चीज में स्पेशलाइजेशन है, तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस किसी और कंट्री को एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाएंगी, उन्हें सिर्फ इंपोर्ट करना पड़ेगा। और ऐसे में ट्रेड एक बहुत बड़ा नुकसान बन जाएगा उस कंट्री के लिए। ऐसे में क्या करेगी एक कंट्री? ऐसे में दोस्तों बहुत सी डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इंपोर्ट टैक्सेस लगाती हैं, जिन्हें टैरिफ्स कहते हैं, कि कोई बाहर का प्रोडक्ट अपनी कंट्री में इंपोर्ट करने के लिए टैक्स लगेगा, कंज्यूमर्स को महंगा पड़ेगा वो प्रोडक्ट, और ऐसा टैक्स लगाने से जो कंट्री खुद की लोकल इंडस्ट्रीज हैं उन्हें बेनिफिट मिल पाए। लेकिन टैरिफ्स लगाने के दोस्तों और भी बहुत रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि अगर किसी कंट्री को किसी और कंट्री पर प्रेशर बनाना है किसी जियोपॉलिटिकल डिसीजन को लेकर, या उनकी किसी इकोनॉमिक डिसीजन से कोई कंट्री असहमत है, तो प्रेशर बिल्डअप करने के लिए भी टैरिफ्स लगाए जा सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि किस तरह से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ट्रेड का और टैरिफ्स का मिसयूज करती है बाकी कंट्रीज के खिलाफ।
चाइना ने 2001 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। WTO को ज्वाइन करते वक्त चाइना पर कुछ कंडीशंस लगाई गई थी। चाइना ने प्रॉमिस किया था कि वो अपनी इकोनॉमी को और लिबरलाइज करेगा और ओपन अप करेगा ताकि आसानी से ट्रेड करी जा सके चाइना और बाकी कंट्रीज के बीच में। लेकिन आज 20 साल बाद दोस्तों, कुछ हद तक चाइना ने जरूर अपने आप को ओपन अप किया है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर कहें तो बुरी तरह से मिसयूज किया चाइना ने WTO का अपने फायदे के लिए। आज हालत क्या है आज के दिन, मेड इन चाइना सामान आपको ऑलमोस्ट हर कंट्री में मिल जाएगा दुनिया की, इतना ज्यादा चाइना मेड इन चाइना सामान को एक्सपोर्ट करता है बाहर। लेकिन जब इंपोर्ट करने की बात आती है तो दुनिया के सबसे बड़े सोशल मीडिया नेटवर्क्स YouTube, Facebook, Google, Amazon, इनका नामो निशान तक नहीं मिलेगा आपको चाइना के अंदर। चाइना ने इनको अपने अंदर आने ही नहीं दिया। ये वन साइडेड ट्रेड है एक तरह से। बाहर भेजना है तो बड़े आसानी से मेड इन चाइना सामान सबको एक्सपोर्ट करो, लेकिन बाकियों को अपनी कंट्री के अंदर मत आने दो। उल्टा चाइना ने किया क्या, इन कंपनीज को कॉपी किया, इनकी टेक्नोलॉजी चुराई और कॉपी कैट क्लोन्स बनाए अपनी कंट्री के अंदर। आज के दिन दोस्तों चाइना का YouTube है यूकू, चाइना का Amazon है अलीबाबा, चाइना का Google है बाइडू, चाइना का Facebook है वाइबो। ये सारी कॉपी कैट कंपनीज जो पूरा कॉन्सेप्ट आइडिया सब चुरा कर अपना क्लोन यहां पर खड़ा कर दिया ताकि उन कंपनीज को फायदा ना पहुंच सके, बाकी कंट्रीज को फायदा ना पहुंच सके ट्रेड का। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट यानी IP थेफ्ट चाइना ने ऑलमोस्ट हर सेक्टर में किया। किसी कंट्री में कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए चाइना में यहां क्लोन खड़े हो जाएंगे। और नॉर्मली ऐसा किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में होता तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि मान लो कोई यूके की कंपनी किसी यूएस की कंपनी का कोई प्रोडक्ट क्लोन करना चाह रही है तो वो यूएस की कंपनी यूके के कोर्ट्स में जाकर कोर्ट में केस फाइल कर सकती है, लेकिन चाइना में कोर्ट केस का सवाल ही नहीं खड़ा होता। वहां की जो डिक्टेटरशिप सरकार है वो ऐसी क्लोन कंपनीज को प्रमोट करती है, उनको बचा कर रखती है ताकि ये सब ना हो पाए। इनफैक्ट दोस्तों इन्होंने अपने रूल्स ही ऐसे बदल रखे हैं चाइना में कि इन कंपनीज को फायदा पहुंचे। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा रूल है, अगर किसी फॉरन कंपनी को चाइना के अंदर आकर बिजनेस बनाना है तो उनको IP ट्रांसफर करना पड़ेगा अपना चाइनीज पार्टनर को। इसी के रिगार्डिंग दोस्तों यूरोपियन यूनियन कमीशन ने 2018 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लेन भी फाइल करी थी कि चाइना देखो किस तरह से मिसयूज करता है इन चीजों को। चाइना फोर्स करता है बाकी किसी भी फॉरेन कंपनी को कि अपनी टेक्नोलॉजी वो चाइना को दे दें, फ्री में देनी पड़ेगी अगर चाइना में बिजनेस करना है तो। एस्टिमेट किया जाता है कि USA को $300 बिलियन से लेकर $600 बिलियन के बीच में हर साल नुकसान सहना पड़ता है चाइना के इस चोरी की वजह से। दूसरा हथियार चाइना का इकोनॉमिक्स में है जिसे कहते हैं डंपिंग। डंपिंग का बेसिकली मतलब यह है दोस्तों कि आप अपने कंट्री के किसी प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करो इतनी कम कॉस्ट में कि उस दूसरी कंट्री की जो लोकल इंडस्ट्रीज होंगी वही बंद पड़ जाएंगी, आउट ऑफ बिजनेस चली जाएंगी, आपका मार्केट शेयर बढ़ेगा, आपको मोनोपोली मिल जाएगी उस इंडस्ट्री में और फिर आप बेसिकली उस कंट्री की उस इंडस्ट्री को कंट्रोल कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, जैसे कि मान लो इंडिया के टॉय मैन्युफैक्चरर्स हैं जो एक सर्टेन कॉस्ट पे टॉयज बना पाते हैं, लेकिन चाइनीज कंपनीज आकर उससे कहीं कम कॉस्ट में उन टॉयज को बेचेंगी तो कंज्यूमर्स जो हैं वो ये देखेंगे कि इतना सस्ता में चाइनीज खिलौने मिल रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ ये खरीदेंगे क्योंकि इतने सस्ते मिल रहे हैं। और अगर यही चीज़ 2-3 साल तक होती रही, कोई इंडियन टॉयज नहीं खरीदना चाहेगा तो इंडियन टॉय मेकर्स आउट ऑफ बिजनेस चले जाएंगे और चाइनीज को इंडियन टॉय इंडस्ट्री में मोनोपोली मिल गई। और आप पूछोगे चाइना कर कैसे पाता है, चाइना इतने सस्ते में कैसे प्रोडक्ट्स बना पाता है कि वो डंपिंग कर पाए। इसका सिंपल आंसर है दोस्तों, चाइनीज गवर्नमेंट सपोर्ट करती है डंपिंग करने में। चाइनीज गवर्नमेंट एक्सपोर्ट सब्सिडीज देती है कंपनीज को कि अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करोगे बाकी कंट्रीज में हम आपको सब्सिडीज देंगे, हम आपको पैसे देंगे अगर आप डंपिंग करोगे बाकी कंट्रीज में। USB स्टिक्स, कैलकुलेटर्स, विटामिन सी और ई, नायलॉन कॉर्ड, मेजरिंग टेप, CFL लैंप, कॉस्टिक सोडा, किचन वेयर, टेबल वेयर, सोलर सेल्स, ये कुछ आइटम्स हैं दोस्तों जो कि आज के दिन माना जाता है चाइना इंडिया में डंप करने लग रहा है, इंडियन गवर्नमेंट इनका रिव्यू लेने लग रही है। ये एक दिन पहले की खबर है कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन चाइना इंडिया में डंप करने लग रहा है और इंडियन गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है इस पर टैक्स बढ़ाया जाए, ड्यूटी बढ़ाई जाए ताकि ये डंपिंग रोकी जा सके। और इंडिया इकलौती कंट्री नहीं है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में करंटली इन्वेस्टिगेशन चलने लग रही है कि कैसे चाइना स्टील और एल्यूमिनियम को डंप करने लग रहा है ऑस्ट्रेलिया में। इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन ने तो अपना ऑलरेडी इंपोर्ट टैक्स बढ़ा दिया स्टील के लिए जो चाइना से आ रहा है। इन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद पाया कि कैसे चाइना स्टील की डंपिंग कर रहा था यूरोप और USA। तो ये जो डंपिंग की टैक्टिक्स हैं और ये जो पहले मैंने आपको बताया था, यही रीजन है दोस्तों कि चाइना आज के दिन इतने ज्यादा एक्सपोर्ट्स कर पाता है एज कम्पेयर टू इम्पोर्ट्स, ट्रेड सरप्लस में रहता है बाकी कंट्रीज से जाकर कंपेयर करें तो, और बाकी कंट्रीज की जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं उन्हें आउट ऑफ बिजनेस ले जाके खत्म कर देता है और बाकी कंट्रीज को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाता है। ये इनके तरीके हैं। तो लेसन यहाँ पर यह है कि इंडियन गवर्नमेंट अपनी आंखें खोल कर रखे और ध्यान रखे कि
किन किन चीजों की डंपिंग चाइना करंटली करने लग रहा है, उन पर टैक्स बढ़ाया जाए, यहाँ पर चौकन्ना रहना पड़ेगा इन चीजों को लेकर। एक तीसरी टैक्टिक है करेंसी मैनिपुलेशन। चाइना को अक्यूज किया जाता है कि वो अपनी करेंसी को जानबूझकर अंडर वैल्यू करके रखता है यूएस डॉलर के कंपैरिजन में, ताकि वो अपना कॉस्ट एडवांटेज मेंटेन कर सके। 30-40% का कॉस्ट बेनिफिट रहे अगर कोई भी मेड इन चाइना प्रोडक्ट खरीदना चाहे तो। इतनी कम करेंसी की वैल्यू जितनी वो रखता है उतनी होनी नहीं चाहिए अगर फ्री मार्केट में देखा जाए। तो ये भी एक और एक्विजिशन है जो चाइना पर किया जाता है। तो इन सारे रीजंस की वजह से दोस्तों, जो चाइना अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अपनाता है, डंपिंग करता है, चोरी करता है और ये करेंसी मैनिपुलेशन करता है, इन्हीं सब रीजंस की वजह से दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड वॉर डिक्लेयर करी थी चाइना के खिलाफ। इंपोर्ट टैरिफ्स बढ़ा दिए डोनाल्ड ट्रंप ने ताकि चाइना ये सब फायदे ना उठा पाए, और ट्रेड वॉर की वजह से दोस्तों दोनों कंट्रीज को नुकसान होता है। मैं बाकी आगे के किसी और वीडियो में बात करूंगा ट्रेड वॉर के एक्चुअली में इफेक्ट्स क्या हुए थे, क्योंकि वही इफेक्ट्स हमें दिखाएंगे कि हम चाइना को अगर ट्रेड के तरीके से बॉयकॉट करेंगे, टैरिफ्स बढ़ाकर बॉयकॉट करेंगे तो क्या रिजल्ट्स निकल सकते हैं। पॉलिटिकली अगर हम बात करें तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी बाकी कंट्रीज के इंटरनल अफेयर्स में अपना इन्फ्लुएंस जमाने की कोशिश कर रही है बहुत ही गंदे तरीकों से। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की इंटरनल पॉलिटिक्स में चाइना मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है लोगों को। अक्यूज किया गया था कि चाइना ने बहुत से हजारों वी चैट अकाउंट्स बनाए ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर को डिफेम करने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए, और साथ ही साथ दोस्तों इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज के अंदर एक्यूज किया जाता है कि चाइनीज अपने स्पाई नेटवर्क्स बिल्डअप कर रहे हैं ताकि चाइनीज स्टूडेंट्स पर स्पाई किया जा सके। पिछले साल की एक खबर है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड में एक चाइनीज स्टूडेंट पढ़ रहा था, उसने एक प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया जो चाइनीज गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो रहे थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और चाइनीज सरकार उसकी फैमिली के घर पर पहुंच गई चाइना के अंदर और फैमिली को धमकाया कि अपने बेटे को यहाँ पर देख लो किस तरह से किन प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहा है, नहीं तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं समझ लो। तो इस तरह से जो चाइनीज स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी पढ़ने लग रहे हैं, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना उनके पेरेंट्स तक को धमकाने लगे। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट निकाली थी जिसने बताया था कि कैसे चाइना कोवर्ट और डिसेप्टिव तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है इन्फिल्ट्रेट करने के लिए फॉरेन पॉलिटिकल पार्टीज में और मल्टीनेशनल कंपनीज में, ताकि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम्स हैं दुनिया भर के उन्हें खत्म किया जा सके। अभी तक मैंने वेस्टर्न कंट्रीज और इंडिया की बात करी है, लेकिन चाइना ने दोस्तों अफ्रीकन कंट्रीज तक को नहीं छोड़ा। अफ्रीकन कंट्रीज की गरीबी का फायदा उठाते हुए चाइना वहां पर हजारों करोड़ रुपए स्पेंड करके हाईवेज बनाता है, डैम्स बनाता है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाता है लोन देकर, और ये अफ्रीकन कंट्रीज चाइना को पता है ये लोन वापस नहीं दे सकती, और जब ये कंट्रीज अपने लोन वापस नहीं दे पाती तो चाइना इन कंट्रीज में जो स्ट्रेटेजिक एरियाज हैं उनको खरीद लेता है, अपने अंदर ले लेता है और फिजिकली उन्हें ऑक्यूपाई करता है। कोई इंपॉर्टेंट पोर्ट हो तो चाइना उन्हें अपनी मिलिट्री को वहां भेजकर उस पोर्ट को अपने लिए इस्तेमाल कर लेता है। इस चीज को कहते हैं दोस्तों डेट ट्रैप, डेट ट्रैप ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज बाय चाइना। सर्च करके देख लेना, पढ़ लेना, बहुत मटेरियल अवेलेबल है इसके रिगार्डिंग। कर्ज में डुबाकर ये कंट्री को पूरा खत्म कर देता है। इसके कई एग्जांपल्स मौजूद हैं, जैसे जाम्बिया का एग्जांपल ले लीजिए, एक कंट्री है अफ्रीका में। वहां पर 2018 में एक रिपोर्ट आई थी कि जाम्बियन सरकार अपनी जो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है उसका पूरा कंट्रोल चाइना को बेचने वाला है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है चाइना को रीपे करने के लिए। कीनिया में जो कीनिया का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट था, पोर्ट ऑफ मुम्बासा, ये चाइना के पास चला गया क्योंकि कीनिया के पास पैसे नहीं थे चाइना को रीपे करने के लिए। नाइजीरिया नेक्स्ट कंट्री बनने वाली है जो चाइना के डेट ट्रैप में फंसने वाली है। यही चीज कई एशियन कंट्रीज के साथ भी होने लग रही है। मालदीव्स में एक आइलैंड है जो कंप्लीटली पूरा चाइना को बिक चुका है। श्रीलंका में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोर्ट है जिसका नाम है हम्बनटोटा। श्रीलंका ने यह पहले चाइना से बनवाया, श्रीलंका रीपे नहीं कर पाया चाइना को, तो चाइना ने अब यह पूरा 15,000 एकड़ का जो पोर्ट है लीज पर ले लिया 99 इयर्स के लिए। अब ये जो पोर्ट है बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इंडिया के बड़ी पास है। चाइना इस जगह को किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल कर सकता है, अपनी मिलिट्री वॉरशिप्स के लिए, नेवी के लिए, आर्मी के लिए, सब चीजों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे इस मैप में, आप देख सकते हैं चाइना ने कहां कहां पर पोर्ट्स को फाइनेंस किया, दुनिया में पोर्ट्स के लिए फाइनेंसिंग दी। चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उस पर भी इसी रीजन से सवाल खड़े किए जाते हैं कि ये जो चाइना रोड बनाना चाह रहा है इतनी कंट्रीज के बीच में से, ये बेसिकली डेट ट्रैप में फंसाएगा इन सारी कंट्रीज को और इनका एरिया ऑक्यूपाई करेगा अपने फायदे के लिए, मिलिट्री यूज के लिए।
ऊपर से जो चाइना के अंदर डिक्टेटरशिप है आज के दिन, इसकी वजह से कोई फ्री मीडिया नहीं है, कोई ऑपोजिशन नहीं है इनकी कंट्री के अंदर जो इनकी रूलिंग पार्टी को अकाउंटेबल रख पाए जब भी कोई गलत काम हो, कोई करप्शन हो। यही रीजन है दोस्तों कि COVID-19 जैसे डिजीजेस जब इनकी कंट्री के अंदर से फैले थे बाहर, किसी को पता भी नहीं कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करी थी नहीं करी थी, कोई फ्री मीडिया ही नहीं हमें बताने के लिए। तो ये है कुछ मेजर तरीके दोस्तों जिससे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अपना इन्फ्लुएंस जमाने लग रही है बाकी दुनिया में। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर बॉयकॉट चाइना बोलने से और थोड़े थोड़े टीवी तोड़ने से, खिलौने तोड़ने से कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इनके ऊपर। चाइना यहाँ पर नेक्स्ट लेवल पर गेम खेल रहा है, यहाँ डेट ट्रैप्स में फंसाकर डंपिंग करके, ये छोटी मोटी चीजों से कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पर इंडिया को नेक्स्ट लेवल पर सोचना पड़ेगा चाइना को काउंटर करने के लिए। अच्छी खबर ये है कि चाइना ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट है, यूरोप के अगेंस्ट है, यूएसए में डंपिंग कर रहा है, अफ्रीका में ये कर रहा है, तो अगर ये सारी कंट्रीज बाकी की साथ में आकर जुड़ जाए, यूनाइट हो जाए चाइना के अगेंस्ट, तो उम्मीद बनती है यहाँ पर। और इसकी एनालिसिस मैं करूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरह से हमें बॉयकॉट करना चाहिए चाइनीज सामान को जिससे एक्चुअली में इम्पैक्ट पड़ पाए। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए। और इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कुवेरा ऐप का। कुवेरा एक म्यूचुअल फंड्स की ऐप है, बहुत ही अच्छी ऐप है। यहाँ पर बस आप अपना गोल सेट कर सकते हैं कि आपको नया घर खरीदना है या नई गाड़ी खरीदनी है, और इस ऐप के जो AI सिस्टम जबरदस्त। मैं कहूंगा कि यार ये बंदा जो है ना, सबसे पहले इसको क्रेडिट देना चाहिए क्योंकि इसने बड़ा ही डिटेल स्टडी किया है पहले कि चाइना किस तरीके से जो है वो मुल्कों को अपने जाल में फंसा रहा है, और फिर जो है वो उनके जो लैंड है वो अपने कब्जे में कर रहा है। और सिर्फ यही नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। इंडिया की को ही नहीं उसने कवर किया, पूरी दुनिया के बारे में उसने एक एक इन्फॉर्मेशन को और बहुत ज्यादा डिटेल में इन्फॉर्मेशन ली है कि और भी कौन सी पूरी दुनिया में जगहें हैं जहां को ये नुकसान पहुंचा रहा है। नुकसान और लग तो यही रहा है कि सभी, मतलब मोस्टली सारी जगहों को ये नुकसान पहुंचा। अच्छा, एक और स्टार्टिंग में बड़ी अच्छी बात इसने करी कि लोगों का कसूर नहीं होता, ये कम्युनिस्ट पार्टी है वहां की जिसने ये इस तरीके का पूरा जाल फैलाया हुआ, पूरा एक गेम खेल रही है। अच्छा, लोगों का, अब हम भी जब हम कभी पाकिस्तान इंडिया के भी हालात के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि लोग नहीं ये जा रहे होते, लोग आपस में, देखें हम अपनी वीडियोस बनाते हैं, आप लोग उसको पसंद करते हैं, ठीक है। इस तरह मैंने अभी मैं कुछ इंडियंस की वीडियो देख रहा था जिसको पाकिस्तान में बहुत पसंद किया जाता है, ठीक है, तो वो भी अभी हम उसके ऊपर भी अपना रिएक्शन लेके आएंगे आगे चल के। तो लोगों का ये इतना कसूर नहीं होता, ये पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो कि ये कुछ तरीके की ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो अच्छा, अब यहां पे बात करते हैं कि यार इसने जो मेन पॉइंट्स उठाए हैं ना वो बहुत जबरदस्त है। अच्छा, मैं आपको ये भी बताते चलूं कि अभी थोड़ी देर पहले हमने जो है एक वीडियो डाली है जिसके अंदर ये बताया गया कि इंडिया ने जो है चाइना की 50+ एप्लीकेशंस हैं जो कि बैन कर दी हैं। तो उसके ऊपर भी अगर आपने हमारा रिएक्शन देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके उसको चेक कर सकते हैं। तो ये इनिशिएटिव जो है इंडिया की तरफ से, मैं समझता हूँ चाइना के लिए जो इन्होंने बैन करी है एप्लीकेशंस, क्योंकि ये साफ ये कह रहा है अपनी वीडियो में कि भाई ये टीवी तोड़ने और ये खिलौने वगैरह तोड़ने से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि चाइना जो है ना वो नेक्स्ट लेवल पे जाके गेम खेल रहा है इस वक्त। और ये बात हकीकत है, ये हम भी नोट करते हैं कि हमसे तो कुछ लेता नहीं है चाइना, और चाइना इतनी चीप प्राइसेस में चीजें लेके आता है और हर जगह अपनी चीजें बेच रहा है पूरी उसके दुनिया बाद में। उसकी करेंसी कम की हुई, एक तो इसको भी नोट करना चाहिए सबको, और दूसरा ये कि हर जगह सब कुछ पहुंचा रहा है। आप हमसे क्या ले रहे हो, कि आपके पूरी दुनिया से ले रहे हो, कुछ नहीं ले रहे ना। इवन ना यूट्यूब आपका है, मतलब आप यूट्यूब को फॉलो कर रहे हो ना, फेसबुक को फॉलो, सारा क्लोन बना दे रहे हैं, सब चीजों क्लोन। अच्छा, इवन के मोबाइल फोन्स, उनकी गवर्नमेंट सही कह रही है सपोर्ट कर दी, क्योंकि मैंने देखा है कि सैमसंग के क्लोन जो है वो चाइना से आ रहे हैं, आईफोन के क्लोन जो है वो चाइना से आ रहे हैं, हर चीज का एक जो है ना कॉपी। अच्छा, एक कॉपी भी नहीं, एक कॉपी ए कॉपी, बी कॉपी, फिर सी कॉपी, अलग अलग अलग, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट उनको इस तरह से सपोर्ट कर रही है। टॉयज की ही बात नहीं है, चाइना की और भी बहुत चीजें आती है पूरी दुनिया में, इससे और सबको भी इफेक्ट पड़ता है। अब जो चीजें हम बना रहे हैं यहाँ पे बना रहे हैं या कहीं और जगह से आ रही है, वो थोड़ी कॉस्टली इसलिए पड़ती है क्योंकि हमें, और फिर हम क्या करते हैं चाइना वालों को प्रेफर करते हैं क्योंकि उनकी गवर्नमेंट ही उनको इतनी सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, उनको सारी चीजों में इतनी आसानियां पैदा करी है, बल्कि उनकी गवर्नमेंट जैसे कि इस वीडियो में बताया कि भाई लोग इस तरह की कंपनी जो ट्रेड कर रही है उनको पैसे अलग से दे रही है कि भाई आप ट्रेड करो पूरी दुनिया के अंदर जो है ना, चाहे ताकि चाइना की जो प्रोडक्ट्स हैं वो आम हो जाए। तो जो लोग वो काम कर रहे होंगे, जो वो वहां से बाहर से भेज रहे हैं, तो ये बात तो सही है, उनका तो बिल्कुल बिजनेस ठप हो जाएगा ना इस तरीके से। वो तो जो अपने मुल्क वाले हैं उनका, जैसे वो टॉय इंडस्ट्री की बात हो रही है कि चाइना के टॉयज जो है वो पूरे, सिर्फ पाकिस्तान इंडिया की बात नहीं करेंगे हम, पूरी दुनिया में जो है वो मेड इन चाइना टॉयज जो है अवेलेबल है। सारे टॉयज सिर्फ चाइना से ही आते हैं, राइट,
अक्सर अब हम तो लोग ये हो परफेक्ट गया हो बाकी जाए। कुछ हम टॉय शॉप पे चले जाएं तो हमें यही लगता है कि यार ईच एंड एवरी टॉय उसके ऊपर जो है ना मेंशन है मेड इन चाइना, मेड और इन सिर्फ चाइना। टॉयज नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब तो ये मोबाइल की एसेसरीज होती हैं, और भी मोबाइल में भी चीजें सीरियसली हैं, सही बहुत बात है। सारी चीजें चाइना की आ गई हैं। और ये भी इनकी सही, आप हमसे तो मतलब हम तो ले रहे हैं आपसे, आप हम कहीं से भी ले ये रहे। देखे ना ये सोच है, क्योंकि हाँ जैसे वो बता रहे कि 20 साल पहले WTO के अंदर जब वो रजिस्टर्ड हो रहे थे तो उस वक्त से ये चीज जो है इनके ऊपर ये एक्यूजेशन जो है वो लगाई जा रही है जब से। और ये भी बताया कि ट्रम्प ने जो है ये किया था कि भाई हम जो है ना इनके साथ ट्रेड के ऊपर जो है ना टैक्सेस को बढ़ाया, ताकि ये है कि इन लोगों को चाइना वालों को जो है इतना फायदा ना हो। और मलेशिया का भी पता नहीं क्या बता रहे थे, क्या चीज उन्होंने वो ले ली है। पहले ये लोग पैसे देते हैं, उसके बाद उस चीज को पोर्ट को और वो उसको या अपने हाँ, अंडर अपने कर कब्जे में लेते ले हैं, लेते हैं, लैंड्स या को अपने जो कब्जे इनको में ले लेते हैं। अपने अपने लिए चाहिए होता है उसको कर लेते हैं। ऐसे ही अफ्रीका, वैसे भी वो गरीब मतलब जगहें हैं, तो उनको आप अगर लोन दोगे तो वो वापस कैसे रिटर्न कर पाएंगे, अच्छा तो पता है इसलिए क्या, करते हैं ये। शुरुआत के अंदर ना आपको ऐसा लग रहा होता है इनिशियल स्टेज पे कि चाइना जो है ना वो आपके लिए बहुत हमदर्द है। फायदेमंद है। हाँ हमदर्द की बात नहीं यहाँ पे, ऐसा आपको, क्योंकि हर कोई ना अपना फायदा देखता है, या हमदर्दी को तो हाँ छोड़ देंगे, जब यही दो आपके लिए कंट्रीज की अच्छा है, बात ये करते हैं आपको ना, तो लोन ये दे रहा है ये। हमदर्दी की बात आप छोड़ दे, हाँ दो कंट्रीज की बात जब होती है ना, वहां पे हर कंट्री जो है ना एक अपना ही फायदा सोच रही होती। तो शुरू में ऐसा गेम खेल रहा होता है चाइना कि आपको लगता है कि यार इससे अच्छा कोई नहीं है। ये हमारे लिए ना बहुत फायदेमंद है, मगर फिर हल्के 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 आपको पता चलना शुरू होता है कि यार ये जो है ना हम एक ट्रैप में बेसिकली फंसते चले जा रहे हैं। और इस वीडियो से तो और ज्यादा लगने लगा, क्योंकि हम लोग मतलब देखते हैं, माहौल देखते हैं, तो चीजों का पता चल रहा है। और एक एक पॉइंट बिल्कुल सही है कि वो सिर्फ इंडिया को नहीं नुकसान दे रहा है, पूरी दुनिया में, बहुत पूरी पूरी दुनिया दुनिया के को अंदर नुकसान जो दे रहा है है। अगर अभी भी संभलना है तो संभल सकते हैं। बड़ी ही अवेयरनेस वाली क्रिएट कर रही वीडियो है है। ये हाँ वीडियो, और मैं क्रेडिट देता हूं अगर ये जो साहब है इनकी वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर इनका चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने जरूर करना है, और अभी तक अगर हमारा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार क्या कर रहे हो, जल्दी से जाओ सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। हम जल्दी से मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ, अपना तब तक बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय बाय। बाय।